जी माशाल्लाह, कौन और कहाँ से? मेरा नाम मोहम्मद और मैनचेस्टर से। मोहम्मद मैनचेस्टर से। मेरे दो सवाल है। फरमाइए। पहला ये कि मुझे कुछ दो दिन से जुकाम और खांसी लगी हुई है। अच्छा, और इसके बारे में कि आपको गाइडेंस दे दें प्लीज। दो दिन से जुकाम और खांसी है। हाँ। ठीक और है। खांसी के साथ बलगम आता है? जी आता है। व्हाइट कलर का है, येलो कलर का है, ग्रीन कलर का है? मेरे ख्याल में व्हाइट और येलो इसमें इसका। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल। अगला सवाल ये कि खराटे ज्यादा आते हैं। हमारी बीवी है ना, बीवी जी, हमारी बीवी है ना, जो आपकी वाइफ, हमारी वाइफ, हाँ, वो रात को खराटे पड़ती है। अच्छा, खराटे पड़ती है, आपकी नींद खराब करती है? बिल्कुल करती है वो। और अगर आप कोई गाइडेंस दे दे, सुन रही है वो भी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये की बताए बीवी की उम्र कितनी है? किसकी? आपकी वाइफ की। उसकी है 55। 55 तो पूरी जिंदगी होगी उसके खराते पड़ते। तो आपकी नींद खराब हो, अभी तो आधी हो गए आप भी। हम आधी हो गए हैं। अच्छा, सवाल के कारण मैं आपकी तरफ से कर रहा हूं, बात की तरफ से नहीं। अच्छा अच्छा, ये बताएं, वो तो खूब सो जाती है ना। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र जो है 63 है। 63। और आपका वजन कितना है? मेरा वजन है 10 स्टोन। 10 स्टोन। अच्छा, वाइफ का वजन कितना है? उसका भी 10 स्टोन ही है। अच्छा, बराबर है माशाल्लाह। जी जी, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि उनको शुगर, ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल की बीमारी? नहीं, कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम देखें, मैं इंशाल्लाह जिक्र करता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल कर। मोहम्मद थे मैनचेस्टर से, इनकी उम्र 63 है और दो दिन से ज़ुकाम और खांसी है, और इसके अलावा कहते हैं कि बीवी के खराटों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और काफ़ी उनको बहुत खराटे आते हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, ये 63 इनकी उम्र है और दो दिन से ज़ुकाम है। हदीस मुबारक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नज़ला और ज़ुकाम इसको बहने दो, कम से कम भी इसको 3 दिन तक इसको, और फरमाया नज़ले और ज़ुकाम को बुरा ना कहो, हाँ, उस सूरत में कि ये जबकि दायमी ना हो, यानी कि अगर ये 3 दिन से ज़्यादा है तो फिर इसका इलाज करो, लेकिन 3 दिन तक इसे बहने दो, क्योंकि ये इसका बहना दिमाग की सफाई है। अगर आपको 3 दिन से ज़्यादा हो गए, हमारे क्या होता है ख़ास तौर पर इस मुल्क के अंदर, हेयर फीवर काफ़ी हो जाता है, ज़ुकाम काफ़ी, लेकिन अगर ये दायमी नज़ला है तो इसका इलाज इंतहाई ज़रूरी है। और उसका इलाज मैं कहा करता हूँ, जवान हैं या बूढ़े हैं तो चने का इस्तेमाल करें, चने चबाएं। वो लोग जो शुगर के मरीज़ हैं, जिनको हर वक्त फ्लू रहता है, और वैसे भी भुने हुए चने का इस्तेमाल करें, ये इंतहाई मुफीद है। एक काम ये करें, आप चने का इस्तेमाल करें। दूसरा काम ये करें, आप कलौंजी का तेल और इसी तरीके से शहद, और तीसरी चीज़ जिसे अदरक कहते हैं, उसका जूस निकालें सुबह के वक़्त में और रात के वक़्त में इस्तेमाल करें। अदरक, शहद और कलौंजी का तेल, ये चीज़ें इस्तेमाल करें, इससे इंशाल्लाह अज़ीज़ सुबह के वक़्त में, यानी अदरक का जूस निकालें, शहद मिला लें, कलौंजी का तेल 1 चम्मच मिला दें, और शहद का जूस भी 1 चम्मच जो है वो निकाल लें, ताज़ा निकालें, सुबह के वक्त भी, रात को सोते वक्त भी इस्तेमाल करें इंशाल्लाह तुम्हें इंशाल्लाह। और ख़ास तौर पर अगर ये मौसमी है तो मौसम की वजह से ही, जब ये आपके इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो ये वायरस हमला आवर हो जाता है, जिसमें कभी कभार हम पर भी हो जाता है, तो ये क्या होता है, फिर उससे फिर आपको ये तकलीफ़ होती है। दूसरा, बेगम साहिबा के खराटे, तो उसके लिए बेहतरीन ये है कि नाक में कलौंजी का तेल डाला जाए, नाक में कलौंजी का तेल डाला जाए। और दूसरा, उनको अगर शुगर नहीं है तो जो नुस्खा मैंने आपको बताया है खाने के लिए, उनको रात को सोते वक्त उन्हें ये इस्तेमाल करवाएं। वो लोग जिनको खराटे बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा खराटे लेते हैं, तो नाक में आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि थोड़ा सा ये जो कलौंजी का तेल होता है ये थोड़ा सा जलन पैदा करता है, थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी तेज़ी होती है, तो बस औकात क्या है कि हम फौरन जो है घबरा जाते हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिकमत की जो दवाइयाँ हैं ना, वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो, और जो बिल्कुल मम्मी डैडी हो तो उनके लिए थोड़ा सा ज़रा मुश्किल होती हैं, तो इसलिए नाक में थोड़ी सी जलन होगी, लेकिन इसको इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। खराटे की जो है कलौंजी का तेल बेहतरीन चीज़ है, ज़बरदस्त चीज़ है, और इसी तरीके से शहद और कलौंजी का तेल इसको इस्तेमाल भी करें।